नमस्ते। टुम्पा की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ टुम्पा। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज ईद है तो घर में कुछ मीठा चीज़ तो बनना चाहिए ना। मेरे मुस्लिम भाई बहन के घर पे आज शीरकुर्मा बनते हैं, तो चलिए हम भी उसके खुशी में शामिल होकर घर पे शीरकुर्मा बनाते हैं। अब भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं शीरकुर्मा बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम तक सेवैया लिया, ये मैंने तोड़ के ऐसे छोटे टुकड़े में लिया। 2 बड़े चम्मच घी, 100 ग्राम मिल्क मेड लिया। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं रहेगा तो आप शुगर भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क मेड में क्या होता है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। 10 ग्राम तक बादाम, 10 ग्राम तक छुआरे, 10 ग्राम तक काजू, 10 ग्राम तक पिस्ता, 10 ग्राम तक किशमिश और थोड़ा सा चिरंजी लिया और आधे चम्मच इलायची पाउडर लिया। इलायची का मैंने छिलका निकल के अंदर का सीड जो है वो पीस लिया, एकदम फाइन पेस्ट किया। क्योंकि इसका सीड जो है मुँह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको पीस लिया। और 1 लीटर मैंने गाय का दूध लिया, इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया। मेरे पास केसर नहीं है अभी, अगर आप केसर भी डालोगे तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं। अभी हम इसके ऊपर ये दूध का कढ़ाई रख देंगे। दूध को हमको अच्छे से उबालना है, गैस का फ्लेम हाई रख देंगे। देखिए दूध उबलना चालू हुआ। अभी हम स्पून से इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम में रखना है। धीरे धीरे ऐसे स्पून चलाते रहेंगे ताकि ये दूध जो है वो नीचे से लग ना जाए। 10-15 मिनट तक चलाना है ताकि थोड़ा गाढ़ा बन जाए। धीरे धीरे ऐसे चलाते रहने का। देखिए दूध मेरा अच्छे से उबलना हो गया। अभी हम दूसरा साइड में रख के इसको मीडियम फ्लेम में और भी थोड़ा टाइम उबालेंगे। ये मैंने दूसरा साइड रख दिया। अभी इसके ऊपर हम एक फ्राई पैन रख देंगे। फ्लेम को मीडियम में रखना है। फ्राई पैन को गर्म कर लेते और ये साइड में धीरे धीरे दूध को चलाना है। फ्राई पैन गर्म हो गए, अभी हम इसके अंदर ये बड़े 1 चम्मच घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम को धीमी रखना है। घी को हल्का सा गर्म होने देते हैं। गर्म हो गए, अभी हम इसमें 1-1 करके ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बादाम, छुआरे, काजू, ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से ही भिगा के रखा था और मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। पिस्ता, चिरंजी, इसको हम ऐसे ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहने का और गैस को धीमी ही रखना है। दूसरा साइड में रखा दूध को बीच बीच में चलाते रहने का। ड्राई फ्रूट से जब अच्छा खुशबू आएगा तब इसको प्लेट में निकाल देंगे। देखिए हल्का सा फ्राई हो गए, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हम वही फ्राई पैन में वापस 1 चम्मच घी डालेंगे। अभी ये घी में हम ये सेवई डाल देंगे और इसको भी धीमी आंच में हल्का सा फ्राई करने का। ऐसे ही धीरे धीरे इसको चलाते रहने का, हल्का सा रेड होने तक इसको फ्राई करने का। देखिए फ्राई हो गए। अभी हम दूध का कड़ा ये साइड में रख देंगे। और इसके अंदर ये सेवई जो है ये डाल देंगे। थोड़ा हिला देते हैं। अभी हम इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे
घी का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। यहाँ पर मैंने किशमिश डाल दिया। अभी हम इसके अंदर ये मिल्क मेड डाल दिया। आपके पास मिल्क मेड नहीं रहेगा तो आप शुगर भी डाल सकते हो। तो इसमें क्या है, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मुझे हल्का मीठा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा ही डाला। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डालिए। इसको 2-3 मिनट तक और ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए मेरा शीरकुरमा एकदम रेडी है। मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी एकदम गाढ़ा हो जाते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम को बंद कर देते हैं। अभी इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। वापस थोड़ा मिला देते हैं और ढक्कन से ढक के 5 मिनट के लिए हम गैस से नीचे उतार देंगे, क्योंकि अगर ये गर्म चूल्हा पे रहेगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम ठंडा होने के बाद ही सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गए, अभी हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे। ये देखिए मेरा शीरकुरमा बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैंने पहले से ही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स अलग से रखा था इसको गार्निश के लिए, तो अभी हम उसको ऊपर से छिड़का देंगे। ये देखिए मेरा शीरकुरमा एकदम रेडी है। आप भी घर पे इसको ट्राई कीजिए और ठंडा करके सर्व कीजिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें या सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नया कोई रेसिपी अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिले। आज यहाँ पर ही एंड करते हैं। मैं आगे भी आऊँगी आपके पास मेरा नया रेसिपी लेके। तब तक के लिए खुश रहिए। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच।